तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बकैत की एक बकैती वाली वीडियो में। और यार 2024 का आईपीएल फाइनली स्टार्ट हो चुका है आज से। एकदम मजेदार किरकिरा मैच हुआ है, लेकिन वही रिजल्ट रहा, सीएसके फिर से जीत गई। यार सबको लग रहा था कि यार डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने बहुत ही मजे दिला दिए हैं। आरसीबी भाई स्पोर तो लड़कों में भी मार देगी। सब ये जिंक्स था, इस साल कब नामदेव नामदू हो गया है, तो इस साल तो भाई आरसीबी के लौंडे जीतेंगे। पर यार सेम रिजल्ट हर साल का वही है भाई, वही चीज हुई यार। सीएसके के आगे मतलब कि कोई टिकी नहीं पा रहा है, कोई का तो मैं नहीं कह सकता, पर आरसीबी तो यार सब जीतेगी भाई। बट हम भी बहुत उछल रहे थे पिछली वाली वीडियो में कि आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, और हम पे तमाचा। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी भाई आरसीबी की, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत दी थी यार। फिर उसके बाद जब यही होता है ना कि एक बार गिरने लगते हैं, मैक्सवेल से इतनी उम्मीद थी, तुम अपनी टीम के लिए 100-100 मार के आ रहे हो, यहाँ पे आकर के तुम हग रहे हो भाई। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम है यार, आईपीएल में तो हगेगी, अपने देश के लिए खेलेगी। बट जोक्स असाइड, ऋतुराज गायकवाड़ का इससे शानदार एज अ कैप्टन ओपनिंग मैच नहीं हो सकता था जो आज ऋतुराज गायकवाड़ से कुछ नहीं कर पाए। बट भाई उसकी टीम ने तो भाई आज गर्दा मचा दी। और धोनी भी पीछे से कह रहे थे यार कि मैंने कैप्टनशिप बस दिखाने के लिए, नाम भर के लिए दिया है यार, के लिए दिया, पीछे से मैं ही सब हैंडल कर। हालांकि आज कमेंटेटरी में बताए कौन थे, सचिन पाजी आए थे हमारे भाई, वो भी भाई इतना एक्साइटेड, मैं देख रहा था उनको भाई, मूत दिए पीएसएल पे भाई। और कोई कमेंट्री कर रहा था, बादशाह बीच में कमेंट्री पे बुला दिए थे, हर कोई कमेंट्री पे आ रहा है, हर कोई मजे ही चल रहे। आज का मैच तो भाई मजे में निकल गया था भाई आज का, कि आज ओपनर है तो आज मजे में मैच निकाल देते हैं। और भाई वही था पूरे और शुरुआत भी इतनी अच्छी हुई, एज अ सेरेमनी इतनी अच्छी जो हर बार का आईपीएल का। हालांकि सीएसके में रचिन रवि ने ये दिखा दिया कि वो काम के बल्लेबाज है, आकर के उन्होंने ताबड़तोड़ जल्दी रन बनाया यार, आकर भाई सबने रहाणे भाई जो बना के छक्के मार रहा था भाई 142 के स्ट्राइक रेट के साथ यार। और मतलब सीएसके की ओवरऑल बिल्कुल सबकी पूरी टीम की कंपेटेबल परफॉर्मेंस थी। आरसीबी तो एक समय भी भाई 125 पे 15 और शायद 125 पे 5 था, उसके बाद उनके शायद रावत ने और शायद कार्तिक वर्ल्ड कप के टाइम पे अलग ही फॉर्म में होता है भाई। पिछले साल वर्ल्ड कप T20 का नहीं था तो उतना अच्छा वर्ल्ड कप में नहीं गया, वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद में वो फॉर्म में होता है, वर्ल्ड कप के बाद भी चले जाते हैं फॉर्म। वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल के सीजन में दिनेश कार्तिक अलग ही फॉर्म में होता है, आज भी भाई ने दिखाया वो। हालांकि भैया ये बॉलिंग भी तारीफ करने वाली होगी मुस्तफिजुर रहमान की, भाई 4 विकेट अभी उसको वो उसका आईपीएल खेलना है, वो था कि खेलेगा कि नहीं खेलेगा भाई। बात है चेन्नई की पिचेस थोड़ी स्लो है, वहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है और मुस्तफिजुर मुश्किल से 115 की तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है बॉल की, तो इस वजह से 4 विकेटें मिल गई। पर अच्छी बॉलिंग करा था, टू बी ऑनेस्ट यार। आज मुझे लगता नहीं कि आज से आईपीएल स्टार्ट हुआ, टू बी ऑनेस्ट, तो आज तो मज में पूरा दिन निकला है। आज तो ये पैसे की चकाचौंध में ही निकल गया है आज के दिन तो भाई यार। विराट कोहली को देखने आए थे, धोनी को देखने आए थे, विराट कोहली को देख के खुश तो हो गया दिल यार, टू बी ऑनेस्ट तो इतने मजा आ गया विराट कोहली को, चाहे भाई ने 10-20 बॉलें खेली कितनी भी खेली, बट दिल खुश हो गया, दौड़ दौड़ के रन लग रहा था। और भाई एक कैच भाई अजिंक्य रहाणे ने किया है भाई विराट कोहली का, भाई स्लाइड मार के कैच करा उसे फेंक दिया भाई। अजिंक्य रहाणे कह रहा अभी भी है मेरे में दम, अभी भाई मैं गुर्दा बता रहा है भाई, वो रणजी ट्रॉफी जीत कर आया हूं, मुझे टेस्ट मिलो फिर से। टेस्ट तो छोड़ो भाई, T20 में बता रहा है वो कैसे खेलते हैं भाई यार, T20 में तो नहीं ले पाएंगे भाई को, बट इधर गिल की जगह नहीं बन रही है जिंके रहाणे को, ये तो बात है भाई। तो मोटा मोटा ये ज्यादा हम मैच के स्टैट के बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैच टू बी ऑनेस्ट दो एज अ क्रिकेट वाइज मैच कुछ था नहीं, बस आज बहुत मजा आया, नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा था कि आईपीएल आ गया। कल से असली आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट दो कल शायद वीकेंड में दो मैच भी होंगे, शायद संडे को है या सैटरडे को भी। कल भैया दो मैच है अगर देखा जाए, डीसी का है और पंजाब का है, और केकेआरएस वर्सेस एसआरएच का है, और जिससे मुझे किसी भी टीम से मतलब नहीं है बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट दो यार एमआई का मैच देखना है मुझे तो यार, मैं बस एसआरएच में और केकेआर में, एसआरएच में सबसे महंगे हमारे पैट कमिंस जी 20 करोड़ के, और केकेआर में सबसे महंगे 24 करोड़ के हमारे स्टार भैया हमारे ऑस्ट्रेलियन, तो पैसा वर्सेस पैसा होने वाला है शाम को, तो वो मजा आएगा, वो तो मजेदार रहेगा। पंजाब वाला भी देखना है, शिखर धवन की फॉर्म देखना है मुझे, और डीसी में अगर किसी को देखना है तो ऋषभ पंत है भाई। पंतू
बताया आपकी क्या आपके ख्याल है 2024 आईपीएल के स्टार्टिंग को लेकर, और आपसे कल मिलते हैं दो दो के बारे में आपके लिए क्या कहना है ये भी कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए जय हिंद।